वेलकम फ्रेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे अंडर लिबरलाइजेशन। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 4 या 6 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक के मेरे सारे वीडियो सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, जिसमें मैं बीच बीच में ये भी बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आने की चांसेस हाई होती है। राइट, अब देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। राइट, इसमें चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली चार कंपोनेंट्स को कवर करता है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकेंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, थर्ड आता है फिस्कल रिफॉर्म्स एंड फोर्थ आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। सबसे पहले अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, इन तीनों को भी इसी वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। राइट, देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में फर्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अपन को पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी इंडस्ट्रीज को, पता है, पर अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंस की जरूरत है। कौन कौन सी 5 ऐसी इंडस्ट्रीज है? इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, लिकर की, सिगरेट की, और अपने वो आ जाता है कि डेंजरस केमिकल्स जो अपन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों की अपन को, अगर इंडस्ट्री अपन ओपन करते हैं तो अपन को लाइसेंस की जरूरत है। फाइन, सेकेंड देखिए पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन। पब्लिक सेक्टर जो था उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने, मतलब कम कर दिया था। 17 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसको रिड्यूस करके 8 कर दिया था, और 2010 और 11 में तो सिर्फ 2 पे ले आ गए थे, और वो दो कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी और अपनी कौन सी थी? रेलवेज। राइट, थर्ड देखिए प्रोडक्शन एरिया डी रिजर्वेशन। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व कर रखी थी चीजें कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, पर अब गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेगी। राइट, फोर्थ देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन। प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने। पहले आपको एक प्रोडक्शन कैपेसिटी सेट ले रखी थी गवर्नमेंट से अपने कि लाइसेंस कर लिया था कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसके रिफॉर्म आने के बाद आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब इम्पोर्ट्स कुछ भी कैपिटल गुड को, कोई भी मशीनरी को इम्पोर्ट करना होता हो या कोई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई भी मतलब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में पहले आते क्या क्या सेक्टर से पहले अपन ये देख लेते हैं। बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अपना फाइनेंशियल सेक्टर कौन मैनेज करता है? इंडिया का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, पहले क्या था, RBI क्या करता था? कंट्रोल करता था, या ये कहे रेगुलेट करता था कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट रेट। बट लिबरलाइजेशन आने के बाद RBI क्या करता था? फैसिलिटेट करता था कमर्शियल बैंक को कि आप अपने अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लीजिए। इसका फायदा क्या हुआ, या ये क्या कि बेसिकली होने क्या लग गया था इंडियन इकोनॉमी में, ये हो गया था कि आपके प्राइवेट बैंकर्स, मतलब अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट बैंकर्स आने लगे थे, अपनी कंट्री के और बाहर की कंट्री के आने लगे थे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। राइट, अब देखते हैं थर्ड आता है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है, देखिए रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, खर्चा और रेवेन्यू जो होता है गवर्नमेंट का उसे कहते हैं फिस्कल रिफॉर्म। और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है फिस्कल रिफॉर्म का वो क्या है? टैक्स रिफॉर्म। अपन को पता है दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिसका बर्डन अपन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये वन मार्क में पूछ सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जिसका बर्डन अपन दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे GST जो लग रहा है। राइट, पहले क्या था, लिबरलाइजेशन से पहले अपना जो जो टैक्सेस थे वो एक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे और बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, इसकी वजह से लोग टैक्स देना अवॉइड करते थे। बट लिबरलाइजेशन आने के बाद टैक्सेस एक तो कम कर दिए गए और सिंपल फॉर्म में भी कर दिए गए थे, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा होने लग गई थी। फाइन, फोर देखिए एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब होता है कि अपनी कंट्री की, ध्यान से समझिएगा, अपनी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अपन ने कम कर दी, किसके रिलेशन में? फॉरेन करेंसी के। मतलब अगर आपको US डॉलर चाहिए या पाउंड चाहिए तो आपको ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे तभी आपको US डॉलर या पाउंड मिलेगा। या फिर ये कहे अगर US डॉलर को, मतलब डॉलर देके आपको डॉलर कम देने पड़ेंगे और इंडियन रुपीज आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो फॉरनर्स क्या करेंगे, इंडियन मतलब कम रुपए में ही, कम डॉलर में ही उनको इंडिया से सामान मिल जाएगा, तो ये एक तरीके से वो इंडिया से इंपोर्ट करने लग जाएंगे, या फिर ये कि इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा बाहर की कंट्रीज को। राइट, अब देखते हैं फॉरन और राइट एक चीज और, प्रेजेंटली अपने मार्केट फोर्सेज डिटरमाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट। ये पहले की बात थी लिबरलाइजेशन आने के तब तक, अब ये कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म।
गवर्नमेंट ने क्या करा था, जो अपने टैरिफ थे उसको पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया था, मतलब खत्म नहीं किया था, बस कम कर दिया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। और ये भी बोल दिया था कि अब कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट ये होगा। और दूसरी बात एक ये भी कही थी कि अगर आपकी इकोनॉमी मतलब आपकी इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है उसका मेजरमेंट कैसे देखेंगे कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, ये नहीं कि आपने कितना एक्सपेंड किया। फ्रेंड्स अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।